नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। आज हम बनाएंगे परवल की ऐसी मिठाई जो देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है और बहुत इजी तरीके से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हम यहाँ पे परवल की मिठाई बनाने के लिए परवल को धुल करके अच्छी तरह से ले लेंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश परवल हैं और गर्मियों में तो भर भर के परवल मिलते हैं इस सीज़न में, तो जरूर इस मिठाई को बनाएं। किसी अवसर पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके औषधि गुण भी बहुत सारे हैं। तो इसे आप मिठाई की तरह भी खा सकते हैं और सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। तो जिन्हें सब्जी नहीं पसंद है वो इस मिठाई को ज़रूर बना करके खाएं। तो यहाँ पर परवल को सबसे पहले हम इस तरह से छील लेंगे और फिर इसे चाकू से हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए परवल अच्छी तरह से कट गया है और इसके बीजों को निकालने का एक तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ पे चम्मच लेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो ये बीजे जो है बहुत आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा से ही बनाती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से बीज बाहर आ गए हैं। तो इसे हम अलग रख देंगे और इन बीजों को हम साइड में रखेंगे और परवल को हम इसी तरह से छिल करके और तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दूसरे परवल को भी इसी तरह से छिल करके और तैयार करके आपको दिखाती हूँ जब ये सारे परवल तैयार हो जाते हैं बीज निकल करके। तो इस तरह से देखिए आसानी से बीज निकल जा रहे हैं और फिर सारे परवल को बीजों को निकाल करके, तो यहाँ पर सारे परवलों से मैंने इस तरह से बीज निकाल लिए हैं और परवल हमारे खाली हो गए हैं। बीजों का इस्तेमाल आप सब्जियों को उबालने के साथ स्टॉक बना सकते हैं जो सूप में काम आ सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ लेंगे एक बोल में पानी और इसमें लेंगे हम ये खाने वाला चूना, जो पान में लगाया जाता है वही चूना है ये, और इसको हम डाल देंगे इस पानी में। तो यहाँ पर इस चूना को अच्छी तरह से हम घुला लेंगे और इसमें सारे परवल को हम इस तरह से भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर परवल में चूना के पानी में इसलिए भिगोया जाता है क्योंकि जो परवल की सतह है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी और बहुत अच्छी मिठाई बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर सारे परवल को मैंने इस तरह से डाल दिया है बोल में और इसमें अभी हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे और इस तरह से दबा देंगे कि क्यों परवल जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। इस नाते मैंने छोटा बर्तन लिया है और इसे उलट पलट कर हम सारे परवल को भिगोएंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट बाद मैं एक बार फिर से चला दूँगी कि जो नीचे परवल हैं वो ऊपर आ जाएं और जो ऊपर के परवल हैं वो नीचे आ जाएं। इस तरह से दब करके ये भीगे रहेंगे और इनकी जो सतह होगी वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तब हम इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर परवल में भरने के लिए हम यहाँ उसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है खोआ। तो यहाँ पर ये 250 ग्राम खोआ है लेकिन 1 किलो परवल है तो यहाँ पर आधा किलो खोआ लगेगा। तो अभी 500 ग्राम खोआ मैं इसमें और ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पर 250 ग्राम खोआ जो मेरे पास पहले से पड़ा था उसे हम भून लेंगे, क्योंकि खोआ इसलिए भूनेंगे क्योंकि परवल की मिठाई लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगी। और आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है, परवल की जो सतह है उसे छूने पर आपको पता चलेगा कि ये थोड़े हार्ड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि भगोने में पानी उबालेंगे और उबलते हुए पानी में पहले हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इसके उबाल को शांत करेंगे। उसके बाद जो हमने चूने के पानी में भिगोया था परवल वो हम इस पानी में डाल देंगे और बस 1 मिनट तक इसे हम छोड़ेंगे गर्म पानी में और उलट पलट कर इस तरह से। उसके बाद इसे हम छान कर किस तरह निकालेंगे और ठंडे पानी में इसे हम डाल देंगे। इस प्रक्रिया को स्किप ना करें, इससे परवल की मिठाई बहुत अच्छी बनती है। अब लेंगे हम यहाँ एक कढ़ाई और लेंगे यहाँ पर हम 1.5 कप चीनी। तो 1 किलो परवल के लिए 1.5 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर इसे घुलने देंगे, क्योंकि इतनी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है 1 किलो परवल के लिए। इससे ज़्यादा आप चाशनी बनाएंगे तो चाशनी बच जाएगी और वो फिर वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी ताकि हमारे परवल की मिठाई बहुत ही सुंदर लगे देख करके, और ये फूड कलर मिठाइयों में ही पड़ती हैं, बिल्कुल सेफ होती हैं खाने में। तो यहाँ पर अब हम परवल को ठंडे पानी से निकालेंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाकर पानी को निचोड़ लेंगे और फिर डाल देंगे हम इस घुली हुई चाशनी में। तो यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से घुल रही है और हम चीनी और परवल को इस तरह से पकाएंगे कि जब तक कि चीनी में चाशनी में अच्छी तरह से परवल पक ना जाए और चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। अभी परवल पानी छोड़ेंगे और ये इसी पानी में चाशनी के साथ पकेगा अच्छी तरह से। तो अभी हम जब से इसे पकते जाता आपको दिखाते जाते हैं, तब तक हम यहाँ पर फिलिंग बना लेते हैं। तो अभी ये 250 ग्राम खोआ है और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं या डाल सकते हैं जैसे कि आपकी इच्छा। और इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर थोड़े से मेवे मैंने इलायची पाउडर डालकर इसे दरदरा कर लिया है और इस दरदरे ड्राई फ्रूट्स को हम
इस खोए में मिला देंगे तो ये मिठाई बहुत ही रिच बन जाती है। और इस तरह से हमने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच पिसी हुई चीनी या धागे वाली मिश्री भी आप ले सकते हैं स्वीटनेस के लिए, क्योंकि अभी हमें 250 ग्राम खोआ इसमें और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 4 चम्मच चीनी मैंने ले लिया है, क्योंकि चाशनी में हमारी परवल पक रहे हैं तो ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डालेंगे हम। तो इस नाते ये हमारे परवल जो है वो पकना शुरू हो गया, और आप देख सकते हैं कि परवल भी पानी छोड़ रहा है और इस तरह से परवल चाशनी के अंदर पक रहे हैं। तो जब ये पकते जाएंगे, जैसे जैसे गाढ़े होंगे, मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि परवल की मिठाई हमारी किस तरह से तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, और इसमें जब एक तार की चाशनी बनने लगेगी तब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और हमारे परवल भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल जेली की तरह हो गए हैं, और इसमें जो है पक कर के तैयार हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको गैस की फ्लेम बंद करेंगे, और आप देख सकते हैं कि चाशनी कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो आप इसी मेजरमेंट के साथ परवल की मिठाई बनाएंगे तो आपकी चाशनी और परवल की मिठाई दोनों परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परवल जो है इस तरह ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और इसमें बिल्कुल भी परवल का टेस्ट गायब हो चुका है, क्योंकि ये बन गए हैं बहुत ही बढ़िया सी मिठाई हमारी। और चाशनी में देखिए इस तरह से तार बन रहा है, जैसे मैं कि हाथों में इस तरह अंगूठे से लगाएंगे, थोड़ी ठंडी करके लगाइएगा, नहीं तो हाथ जलने का डर है। तो इस तरह से देखिए चाशनी हमने हाथों पर लगाई है तो ये तार बन रहे हैं। अब हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और परवल को हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मैं केवड़ा जल डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद केवड़े जल को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, और अब हम परवल को ठंडा होने देंगे बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि हम हाथों से इसे टच कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये ठंडे हो चुके हैं और इसे हाथों से टच किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने ट्रांसपेरेंट हुए हैं परवल, और बिल्कुल सतह इसकी जेली की तरह हो गई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम इसमें भरेंगे इसकी फिलिंग को, तो जो मैंने तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर सारे परवल को मैं इस तरह से आपको दिखा दे रही हूँ, और यहाँ मैंने 250 ग्राम खोआ और ऐड कर दिया है इसमें, और चीनी और मेवा मैंने उतना ही रखा था जितना मैंने आपको दिखाया है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर खोए को हाथ से इस तरह से लेंगे और एक बाइंड बनाएंगे, और इसमें जितना आ सकता है उतना ही हम इसमें खोए को अच्छी तरह से भर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से खोए को हमने भर दिया है, और ये बहुत ही फ्लेवरफुल खोया, और इसकी ऊपरी सतह तो और भी फ्लेवरफुल हो गई है हमारी। तो इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है बहुत ईजी सी, ये घर पर हलवाइयों की तरह मिठाई परवल की, तो जिसे आप ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से यहाँ बादाम कट करके रखे हैं, और इसे मैं इस तरह से थोड़े से सजा दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से बादाम को हम चिपका देंगे, और इस तरह बन करके तैयार हो जाती है हमारी पहली परवल की मिठाई। दूसरी भी इस तरह से हम फिल कर लेंगे जैसा कि हमने पहले वाला भरा था, और इस तरह से भर गया है परवल पे खोआ, और अब इस पे लगा देंगे हम बादाम। तो इस तरह से सारी मिठाइयों को हम भर करके तैयार करते जाएंगे, और जब सारी भर के तैयार हो जाती हैं फिर आपको मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी मिठाई बन करके तैयार है, जो देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही टेस्टी है। और उसके बाद इस पे मैं चांदी वर्क लगा दूंगी, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सजा दिया इसे चांदी वर्क से, और इस तरह से चांदी वर्क हाथों में चिपकता है, तो इस तरह से मैं चाकू से इसे लगा दूंगी, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और फैमिली और फ्रेंड में मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।